सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है बट ऐसे भी नहीं कह कुछ तो सर हाँ कुछ ज्यादा हो गया। चलो वी वर सपोर्टिंग होमोसेक्सुअलिटी दैट इज गुड पार्ट, मतलब सब लोग तो होमोसेक्सुअल नहीं है। उससे शादी करने का मतलब का जगन्नाथ और क्या बोलू अभी सो हाउ आर यू ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल ऑफ इंडिया, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और अभी रिसेंटली एक केस आया गुजरात से, उसका नाम है और समा बिंदु या बिंदी नाम है वट एवर, बट उसने क्या किया है ना कि अपने आप से शादी कर लिया है, सी मैरिड टू हर सेल्फ। सो ये इंडिया का फर्स्ट केस है कि ऐसा कुछ हुआ है। सो मैं बोला कि लोगों के माइंड में क्या है, लाइक ये बहुत वायरल भी हो रहा था, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लोग इसके अगेंस्ट आ रहे थे, तो मैं बोला लोगों के माइंड में क्या है, लाइक उसको क्या लगता है इसे, इसके अच्छी चीज़ क्या है, मतलब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें लॉस क्या है, और अगर इन केस अगर इनको लोगों को भी और भी ऐसे है क्या जिसको खुद से शादी करने में कोई इंटरेस्ट है। तो चलो लोगों से पूछते हैं, आई होप आपको वीडियो देख के मजा आएगा। चलो आप लोगों ने रिसेंटली देखे रहोगे एक न्यूज आया है गुजरात से, वहां पे एक लड़की ने खुद से शादी कर लिया। सो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग ना, बिकॉज इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सो आप लोगों को लेके क्या थिंकिंग है उसकी? इस वाला डिसीजन उसको जो भी करना है, उसको खुद पे पैसा उड़ा के अच्छा लग रहा है तो इट इज फाइन। ओके एंड अच्छी है, ऑफ कोर्स अच्छा है, मुझे तो लगता है पॉइंटलेस है, कुछ नहीं है। पॉइंटलेस है ओके, ठीक है। आप लोगों को एक माइनस पॉइंट बताना है, एक प्लस पॉइंट बताना है, क्या हो सकता है खुद से शादी करने का माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट? क्या लगता है आप लोगों को, अच्छा है बुरा है या क्या, आपको क्या बोलना है? आई थिंक जो अगर उस खुद को अगर वो चाहती है तो वो खुद की बाउंड्रीज पार कर रही है ना खुद से शादी करके। मतलब वैसे भी लोग अगर तुम गलत आदमी से शादी करोगे तो तुम्हारा टाइम पास ही होने वाला है। अगर उसको लगता है कि वो खुद के साथ हैप्पी रहने वाली है तो वो जो भी कर रही है अच्छी बात है। आप बताओ, अगर वो आदमी अगर उसके लिए परफेक्ट हो तो कोई बात, मतलब आदमी मतलब स्वतःशी लगना करते थे खुद से शादी कर रहे हैं, आपको मंगल सूत्र बांधी, अपने आप को टीका लगाई, ऐसा तो कोई कुछ नहीं रह सकता। हमारे इसमें मतलब इंडिया का फर्स्ट केस है ये, आपको क्या लगता है? अच्छा है, लगता है नहीं अच्छा है? मुझे भी वो मुझे लगता है अगर सेल्फ में अभी शादी कर दे तो उसका मोटिव मतलब जो रहता है वो हैप्पीनेस होता है वन टाइम। तो अगर हैप्पीनेस मिल रहा है तो ठीक बात है, मतलब उसको मिल रहा है, तो अगर कुछ नया करना है इसलिए कर रहे तो गलत बात है। आप बताओ आपको क्या लगता है? मुझे लगता है उससे ज्यादा आपको क्या लगता है, मतलब सेल्फ मैरिज अच्छी चीज है इंडिया में और नहीं? नहीं, पार्टनर चाहिए कोई तो, अननेचुरल थिंग है बट अगेन इट्स इंडिविजुअल चॉइस। मतलब वो खुद का एक ओपिनियन के हिसाब से वो ठीक लग रहा है बट एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए तो एक मतलब अगेंस्ट नेचर हो गया वो चीज। ओके सो इसके बारे में एक माइनस पॉइंट बताओ और एक प्लस पॉइंट बताओ। अच्छी बात है, सेल्फ लव शो किया उसने, डिपेंडेंट नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, जरूरी नहीं कि किसी कपल के साथ ही शादी हो, उसने सेल्फ लव करके ये डिफाइन किया कि सेल्फ लव होता है। मुझे लगता है कि कैसा लगता है ये हम बोल ही नहीं सकते बिकॉज वो उसका चॉइस है और हमें क्या ही करना है, हम लोग उसको जज नहीं करते, वो जज ही करना होता है। जब आप पूछते हो किसी को आई थिंक सो कि अगर आप वहाँ से स्टार्ट ही कर रहे हो कि आपको क्या लगता है तो वो जजमेंटल ही है, ठीक है, हम जज कर रहे हाँ मतलब जज नहीं कर रहे बट जो भी किया अच्छा किया। उसके माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं, प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं? उसके मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई उसे पसंद आ गया, खुद से ही प्यार करना तो कर लिए, शादी कर डालेंगे। वेरी गुड, इट्स गुड थिंकिंग, इट्स हर थिंकिंग, ओके, इट्स हर चॉइस, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, ओके, डिपेंड्स है ना वो जो सोचते हो उसको बेटर। ओके सो आप लोग एक माइनस पॉइंट बताओ, एक प्लस पॉइंट बताओ खुद से शादी करने का, क्या हो सकता है? सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है बट ऐसे भी नहीं कह कुछ तो सर हाँ कुछ ज्यादा हो गया। सो आपको आपको क्या लगता है? मुझे तुम भी करने तो नहीं वाले हो ना, इतना कंफ्यूज हो गए तो। नहीं ये बहुत बुरी चीज़। अच्छा आपको लगता है बुरी? ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके सो आपको एक माइनस पॉइंट बताओ और एक प्लस पॉइंट बताओ कि ये माइनस है, ये अच्छी नहीं है और ये अच्छी हो सकती है। ओके सो आप लोग मालूम है ना गुजरात में एक लड़की ने खुद से शादी किया, आप लोग हाँ तो आपको क्या लगता है वो अच्छा है बुरा है? देखो वो अच्छा अपने समाज के लिए बहुत बुरा है क्योंकि अगर लड़कियां शादी खुद से करने लगी तो फिर लड़कों का क्या होगा, वो बेचारे ऐसे रह जाएंगे, मतलब सिंगल ही रह जाएंगे। अब जैसे मुझे ही देख लो, मुझे कोई मिलती नहीं, सिंगल ही हूँ, अगर वो खुद मुझसे शादी करती तो कम से मेरी लाइफ तो सेटल होती। तो इसीलिए मैं उससे कहता हूँ कि खुद से शादी मत करो, लड़के बेचारे ऐसे घूमते फिरते रहते हैं
मतलब सिंगल तो उसकी बनो कुछ। थैंक यू सो मच, तुम्हारी बात पहुंचा दी जाएगी। चलो अच्छा है, मेरे शादी क्या बहुत अच्छा, क्या जन्नत मिल जाए। एक ना तुमने टॉपिक ही चेंज कर दिया पूरा, हर्बल से सेंट्रल पे आ गए। लव मैरिज नहीं, वो खुद से शादी की, अपने आप से, अपने आप से शादी अकेले कर डाला, अकेले कर डाली भाई, खुद से, उसने खुद से शादी की। अरे तो फिर हम लोग रंडवा मर जाएंगे भाई। वो खुद को सिंदूर लगाई, खुद को वो सब लगाई, फिर क्या बताओ ऐसे शादी। यही कि उसको नहीं करनी चाहिए शादी, खुद से खुद को नहीं करनी चाहिए, किसी और बंदे के साथ थी तो किसी की लाइफ बनती, अच्छी सेटल होती, ये बस। ओके आप ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट क्या है, मतलब खुद से शादी करने का घाटा क्या है, फायदा क्या है? मे भी उसके ओपिनियन से वो अच्छा है और किसी और के ओपिनियन से वो बुरा भी हो सकता है, हम जज नहीं कर सकते किसी को। या तो तुम्हारे ओपिनियन से कैसे है, ठीक है अब उसे उसकी मर्जी, उसको करनी थी उसने कर ली, उससे शादी। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। माइनस पॉइंट ये है कि वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकेगी अपनी गलतियों के लिए। ओके ये तो प्लस पॉइंट हुआ ना एक्चुअली। नहीं माइनस पॉइंट हुआ ना, यू नीड समवन टू ब्लेम अपनी गलतियों के लिए। ओके ऐसे वाला मार कसम, ये मुझे लड़कियों के थिंकिंग से सोचना चाहिए था। ओके ठीक है, वेरी गुड। और प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट तो क्या बोलते हैं ना मराठी में, बोलते हैं एकटा जीव सदा शिव, मतलब क्या अकेले रहो खुश रहो। ओके टेंशन नहीं, किसी की एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ नहीं। ओके माइनस पॉइंट, माइनस पॉइंट हो सकता है लाइफ में पार्टनर चाहिए होता है किसी ना किसी सिचुएशन में, बहुत सिचुएशन में चाहिए होता है। एग्जैक्टली प्लस पॉइंट ये है, खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं। ओके तुमने उसको भी कंफ्यूज कर दिया, तुम बताओ माइनस पॉइंट एंड प्लस पॉइंट। नए लोगों से नहीं मिल सकते, अभी वो किसी के साथ मैरिज करते तो दूसरे के घर जाकर नए लोगों से मिलना और उनके साथ में वो कर सकते थे, वो नहीं मिलेगा उनको। माइनस और प्लस अपने घर में रह रहे हैं और कुछ चेंजेस नहीं है, अपने घर में रह रहे। बाय द वे माइनस पॉइंट में उसको पता नहीं, बस प्लस पॉइंट बहुत मिल गया, सीज वायरल नाउ, सो उसके लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है अनलेस एंड अंटिल उसका मेंटल पीस जो खुद ब्रिंग अप कर रही है अपने लिए। नेगेटिव तो इसके लिए अपने एनवायरनमेंट के लिए हो गया, अपना जो नेचुरल जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो चीज़ है उसके तो अगेंस्ट ही है। सब लोग खुद से शादी करने लगेंगे तो फिर तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। हाँ यार मतलब जस्ट इमेजिन करो अपन वर्ल्ड कैसा हो जाएगा सब खुद से शादी। अभी तक तो चलो वी वर सपोर्टिंग होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज गुड पार्ट, मतलब सब लोग तो होमोसेक्सुअल नहीं है, बट खुद से शादी करना इट इज़ गुड फॉर हर सेल्फ, वो खुद के लिए अच्छा है, उसके इंडिविजुअल ओपिनियन के लिए अच्छा है, बट ये नेचर के अगेंस्ट है। मतलब वो किसी के लिए इंस्पायर नहीं हो, इंस्पिरेशन नहीं हो सकता कि उसने खुद के लिए खुद से शादी की। खुद से शादी करना आई डोंट थिंक इट इज अ लॉजिकल थिंग, खुद से शादी करके वो अगर वो सिंगल भी रह रही है तो भी अपनी लाइफ बिता सकती है, और वो शादी करने के बाद वो ऐसी कोई चीज करने नहीं वाली जो उसके पार्टनर के साथ मिलकर करने वाली है, वो तो सिंगल रहेगा। शादी शादी करके क्या रहेगा उसका, मेरे को पर्सनली मेरे को तो लगता है फॉर टाइम बीइंग में बोल सकते हैं कि उसको बोलते हैं ना उसका उसके मेंटल पीस के लिए वो कर रही है, बट आफ्टर सम टाइम उसको रियलाइज होगा। गेटिंग मैरिड शादी करना मतलब वो हर कोई भी रिलीजन के हिसाब से देखोगे दो लोगों को मिलाना होता है, तो होमोसेक्सुअलिटी में भी दो लोग साथ में आ रहे हैं और जो अपन नॉर्मल जो करते हैं उसमें भी दो लोग एक। अभी शादी करने की जरूरत क्या है अगर कुछ कुछ भी प्लस माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट तो बहुत ही, माइनस तो कुछ नहीं रहेंगे। प्लस पॉइंट लाइक व्हाट, जैसे वो खुद की लाइफ खुद के हिसाब से जी सकती है, वो वैसे भी जी सकती है। एग्जैक्टली तुम बताओ माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं। माइनस पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली होएगा। अभी हम लोग ने एक जन से पूछा, वो बोले कि उसको दूसरी फैमिली नहीं मिलेगी, उसको पार्टनर नहीं मिलेगा। मिल सकता है, शादी के बाद दूसरी फैमिली मिलती है ना, पहले कैसे काइंड ऑफ माइनस। जरूरी नहीं है ना दूसरी फैमिली मिलना इज अ प्लस पॉइंट एज वेल, मतलब नहीं माइनस पॉइंट, मतलब जरूरी नहीं है कि दूसरी फैमिली जब भी मिलेगी वो अच्छी ही होगी, ऐसा भी तो हो सकता है उसको, मतलब यू नो ऐसा होता है ना कभी शादी के बाद कभी कभी लाइक बड़ी फैमिली हुई तो उसका सबका ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब खुद का ही ध्यान रखना है, खुद का ही है तो प्लस पॉइंट है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा दूसरों के लिए। और बुरा पॉइंट है मतलब मजा ही क्या है खुद से शादी करने में, बचपन से तो अपन अपने साथ ही लाइक क्या है खुद से शादी करने का मतलब है। जगन्नाथ और क्या बोलूं, हो गया ना। ओके तो ये माइनस पॉइंट है प्लस पॉइंट है, लाइक माइनस पॉइंट एक तरफ प्लस क्या होता है, प्लस हो सकता है, आई गॉट इट। प्लस पॉइंट ये है कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद को ही पता है कि हाँ ये कर रहे हैं सही है। तुम बताओ क्या माइनस क्या हो सकता है, प्लस क्या हो सकता है। प्लस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक नंबर। ओके माइनस पॉइंट है कि कोई रहता है तो अच्छी बात है, वन मैन करने से अच्छा
या कोई तो होना तो चाहिए, गलती करके ब्लेम करने के लिए नो माइनस पॉइंट हुआ उनका। आप क्या करते? सेम थिंग, खुद से प्यार करना, मतलब फर्स्ट थिंग तो खुद से प्यार करना चाहिए, जो खुद से करेगा वो दूसरे से कर सकता है। सेम की बात, आप सब लोग उसको 5-5 रुपया ट्रांसफर कर देंगे। आई थिंक उससे नेगेटिव ये रहेगा कि आप दूसरे पर्सन से मिल नहीं पाओगे। कैसे, जब अपन दूसरे पर्सन से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपन दूसरे थॉट्स, मतलब एक दूसरा पर्सपेक्टिव अपने जीवन में लाते हैं। वो नेसेसरी रहता है। खुद से शादी करने से वो मतलब फायदा बता दो पहला। फायदा तो ऐसा है कि वो किसी भी मतलब दबाव में नहीं रहेंगी, मतलब पति हो तो हमें उसकी सुननी पड़ती है वैसे, मतलब उसे कोई दबाव नहीं रहेगा, वो फ्री लाइफ जी पाएगी। लेकिन घातक ऐसा है कि अकेली लड़की रह पाना, मतलब आजकल के जमाने में अकेला कोई रह नहीं सकता, कोई पार्टनर चाहिए। आप बताओ। एक्चुअली हम लोग आर्टिस्ट है। तो व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, आई मीन व्हाट डू यू क्रिएट? पेंटिंग। ओह, यू गाइस आर फ्रॉम जेजी स्कूल ऑफ आर्ट। जेजी स्कूल ऑफ आर्ट से हम। ओके ओके। तो मुझे लगता है कि आई शुड नो यू गाइस बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द आर्टिस्ट। आई एम फ्रॉम डिफरेंट, आई एम फ्रॉम बीटेक। या बट सेम रिस्पेक्ट फॉर यू टू। व्हाट डू यू डू बाय द वे? बीटेक फ्रॉम आईसीटी। या दैट वन इज आल्सो लाइक रिस्पेक्टेड, सो इट्स ओके। नाउ व्हाट वर यू सेइंग? तो मतलब हम जो चीज बनाते हैं जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर, बहुत सोच समझ के बनाते हैं। या ओके। तो उसका जो मतलब डिप्रेशन जो होता है हमारे ऊपर, तो मुझे लगता है कि अपने साथ कोई ना कोई होना चाहिए। तो नेगेटिव इफेक्ट इसका ऐसा है कि जैसा इंसान में एक वेरिएशन होता है, सो अगर हम कुछ दूसरे का अडॉप्ट नहीं करेंगे, मतलब बाहर से कुछ अच्छा आ रहा है अगर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आगे जाके मतलब उसका वेरिएशन नहीं होगा।